Hello friends, these are the remaining topics of unit 1. These topics are low dimensional semiconductor devices, high electron mobility transistors, solar cells, LCD, LED and flexible display devices, and the last one is emerging materials for future devices. Because all these topics are totally theory based, so I am also attaching notes of these lecture in the description box. If anyone want, then they can download these notes from the description box. There is a link. By clicking on that link, you will able to download the notes of that respected lecture. So let's begin with the topic low dimensional semiconductor devices. What is low dimensional semiconductor devices? Low dimensional semiconductor devices क्या है? ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा. नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी में हम बल्क मटेरियल जो होता है उसको इतने लो डायमेंशंस पे ले जाते हैं, ठीक है, मिलीमीटर से नैनोमीटर्स पे ले जाते हैं, जिसके बाद उस मटेरियल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब किसी मटेरियल को इतना छोटा उसका साइज कर देना जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती हैं, ठीक है, तो उन जो चेंज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में. और इसको नैनो टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बहुत ही छोटा नैनो पार्टिकल लेते हैं जो नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है, जिसमें कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के, ठीक है. और बल्क मटेरियल क्या होता है? बल्क मटेरियल वो होता है जिसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो एक बल्क मटेरियल और उसी बल्क मटेरियल का अगर एक नैनो पार्टिकल ले तो दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी. तो लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो होती हैं जो किसी बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल में से एक लो डायमेंशन मटेरियल फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें जिस स्ट्रक्चर की या तो एक डायमेंशन या फिर दो या फिर तीनों डायमेंशन जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और उस चेंज प्रॉपर्टी के साथ हम एक न्यू डिवाइस को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो एक न्यू एप्लीकेशन में काम आती है. तो इसको हम बोलते हैं लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. ये लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो नैनो स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं, जो नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उन्हीं को ही लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं. अब नैनो स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें डायमेंशन डिफाइन नहीं होती हैं, लेकिन लो डायमेंशंस में हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं कि हमने मटेरियल की कौन सी डायमेंशन लो ली है, ठीक है, कौन सी डायमेंशन उसकी लेंथ लो ली है या विड्थ लो ली है या हाइट लो ली है, ठीक है, इन जनरल थ्री डायमेंशन होती हैं, तीनों डायमेंशन लो ली हैं, तो लो डायमेंशन और नैनो स्ट्रक्चर्स में बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम है. अगर नैनो स्ट्रक्चर्स को भी हम डायमेंशन के रूप में देखेंगे, उसके फॉर्म में देखेंगे, तो वो भी लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइस ही कहलाएंगे, ठीक है. तो क्या होता है लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स? लो डायमेंशन मटेरियल्स आर दोज दैट हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन small enough for the physical properties of the material lay somewhere between individual atoms and the bulk material, ठीक है, low dimension materials वो materials हैं जिनकी physical property किनके बीच में lie करती है, एक individual atom और एक bulk material दोनों के बीच में lie करती है, ठीक है, क्योंकि जो ये nano particle होता है या nano structure होता है वो इस एटम से तो बड़ा होता है लेकिन इस बल्क मटेरियल से बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ एटॉमिक लेवल की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है, इसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है.
In the other word, lower dimensional materials exhibit new physico-chemical properties not shown by the corresponding large structure of the same composition. ठीक है, इसको हम अलग वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि जो लो डायमेंशन मटेरियल होते हैं उसमें कुछ ऐसी फिजिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसी पर्टिकुलर मटेरियल मटेरियल के लार्ज कंपोनेंट में लार्ज स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं. ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रिज बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मटेरियल्स. ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एज एक ब्रिज की तरह काम करते हैं मॉलिक्यूल लेवल और बल्क मटेरियल्स के बीच में. ठीक है, एक मटेरियल है उसी का बल्क मटेरियल है, उसी का ही एक मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं. कैसे ब्रिज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होंगी, इस बल्क मटेरियल की टोटली डिफरेंट होंगी. ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज की कॉम्बिनेशन होता है इस नैनो स्ट्रक्चर में. ठीक है, सुइटेबल कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर कैन लीड टू न्यू डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजीज. और अगर जो प्रॉपर्टीज हैं उस नैनो स्ट्रक्चर की उनको कंट्रोल किया जा सके और उनके रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल किया जा सके तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, उनसे न्यू डिवाइसेज और न्यू टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं. ठीक है, कंट्रोल क्यों कह रहे हैं, अब जैसे ट्रांजिस्टर होता है या फिर डायोड होता है, JFET, MOSFET, जितनी भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उन सबको हम उसमें कंट्रोल ऑफ वोल्टेज को, करंट और वोल्टेज को दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं. सारी क्या होती है, कंट्रोल्ड डिवाइसेस होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलरली अगर नैनो स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो हमारे यूज का नहीं है. ठीक है, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि अब वो कैसे किस एप्लीकेशन में रिएक्ट करेगा, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है यूजर का, तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होता. तो ऐसे नैनो स्ट्रक्चर, ठीक है, केवल वही हम यूज कर सकते हैं, सुइटेबल होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है, उनके रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हीं नैनो स्ट्रक्चर्स को हम न्यू डिवाइसेज और टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो यूज हो गया लो डायमेंशन सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का. अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी ये होती है, कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है लो डायमेंशनल. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लो डायमेंशनल मटेरियल्स, तो फोर टाइप में इसमें क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट वन इज जीरो डायमेंशनल, ठीक है, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है. सेकेंड वन इज वन डायमेंशनल, दैट इज 1D. थर्ड वन इज टू डायमेंशनल, दैट इज 2D. And the last one is three dimensional, that is 3D. ठीक है, first is zero dimensional structure, that is 0D structure. अब zero dimensional structure क्या होता है, आप सोचिए, आपने ऐसा कोई structure देखा है जो zero dimension हो, जिसकी कोई भी dimension ना हो, तो हम ये देख सकते हैं कि कोई मान लीजिए paper है, आप इस पे कोई pin से hole कर दें, बहुत छोटा सा hole कर दें, तो उस होल का, होल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेंगे हम. ठीक है, अगर हम अपनी आईज से उसे देख रहे हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसे जीरो मान सकते हैं उस पेपर के रिस्पेक्ट में. अभी पेपर तो बहुत लार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में डॉट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है इस पेपर के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर जिसमें एक छोटा सा डॉट अगर हम बना दें और इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में इस डॉट की जो डायमेंशंस हैं वो जीरो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जीरो डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम डॉट. ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्वांटम डॉट या फिर क्वांटम बॉक्स बोलते हैं. हियर क्वांटाइजेशन अकर्स इन ऑल थ्री डायरेक्शंस. ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब है एनर्जी लेबल्स. ठीक है, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन.
कैसे हमने एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स देखते हैं एनर्जी का, उसको हम क्वांटम लेवल्स या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है यहाँ पे एनर्जी लेवल से। अब जिस उसमें जिस डायमेंशन में स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो उस डायमेंशन में तो क्या मूव करेंगे, चार्ज करियर्स मूव करेंगे। चार्ज करियर्स कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो जो डायमेंशन होगी, अब यहाँ तो जीरो डायमेंशन है तो कहीं पे मूव करने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। जो आपने डॉट बनाया इसमें जो चार्ज करियर्स होंगे, जब इस डॉट की कोई डायमेंशन ही नहीं है तो ये इसके अंदर जो चार्ज करियर्स होंगे वो मूव ही नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी होगी इसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगी वो तीनों डायरेक्शन में क्रिएट होगी। जो क्वांटाइजेशन होगा वो ऑल थ्री डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, अब ये एक स्ट्रक्चर है, थ्री डी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक छोटा सा डॉट क्रिएट कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए वो इतना बड़ा डॉट लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसकी डायमेंशंस ऑलमोस्ट इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जीरो होंगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है इस डॉट की वजह से, अब ये डॉट बना दिया इस स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लेवल्स क्रिएट होंगे वो तीनों एक्सिस में क्रिएट होंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस में क्रिएट होंगे, ठीक है। ये होगी माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, ये जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ये जीरो डायमेंशन हो गया, और इसकी वजह से जो क्वांटाइजेशन हो रहा है वो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, और जो चार्ज करियर्स होंगे इस डॉट में वो स्टेबल है, मतलब मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अपनी डायमेंशन में ही तो मूव कर सकते हैं चार्ज करियर, ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल्स को छोड़ के वो बाहर मूव करने लगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चार्ज करियर मूव नहीं कर रहे हैं, केवल जो क्वांटाइजेशन हो रहा है वो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो क्वांटाइजेशन हो रहा है वो थ्री डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये थ्री डायमेंशन होना चाहिए क्योंकि क्वांटाइजेशन हो रहा है, लेकिन हम क्वांटाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। क्वांटाइजेशन थ्री डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, जीरो डायमेंशन है, ठीक है, और जीरो डायमेंशन है इसीलिए थ्री डायमेंशन क्वांटाइजेशन हो रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग इसी बात से कंफ्यूज होते हैं कि ये तो थ्री डायमेंशन क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो 3D होना चाहिए, ये 3D नहीं है, स्ट्रक्चर जीरो डायमेंशन है इसीलिए क्वांटाइजेशन 3D है, थ्री डायमेंशन है, ठीक है। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं, तो एक टर्म होती है क्वांटम वेल, ठीक है, क्वांटम वेल एक टर्म होती है, वेल माने क्या होता है, कुआं। क्वांटम वेल कैसे बनाया जाता है, क्वांटम का मतलब एनर्जी लेवल होता है, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, यही होता है। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करें, कंडक्शन बैंड में एक इस तरीके का होल क्रिएट कर दें, मतलब इस पोर्शन की जो एनर्जी है उसको कम कर दें, ठीक है, लो कर दें। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये कोई रियल वॉल तो है नहीं, दीवार तो है नहीं, ठीक है, ये इसमें क्या करा है, इस पोर्शन की जो एनर्जी है उसको कम कर दिया, ठीक है। जब इस पोर्शन की एनर्जी कम हो जाएगी तो इस यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इसमें फॉल हो जाएंगे, ठीक है, और जब फॉल होंगे तो इस लेवल पे जो एनर्जी थी, इस लेवल पे जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी इनसे, जैसे ही इसमें गिरेंगे तो, क्योंकि एनर्जी लेवल कम है तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एक बार एनर्जी रिलीज हो गई तो दोबारा इन्हें ये एनर्जी नहीं मिलती है। तो जो क्वांटम वेल होता है ये एक ट्रैप की तरह काम करता है, ठीक है, और इस ट्रैप में जो है वो चार्ज करियर्स फंस जाते हैं और फिर वो इससे निकल नहीं पाते, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्वांटम वेल बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड में तो ये इस तरीके से होता है, बैलेंस बैंड में कैसा होता है, बैलेंस बैंड में ये ऊपर की तरफ होता है,
ठीक है, इस ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि बैलेंस बैंड तो लो एनर्जी पे है और इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेल बना हुआ है वो अपर एनर्जी पे है, तो उसमें होल्स कैसे जाएंगे? होल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये होल्स अब कैसे जाएंगे इसमें वेल में? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो होल्स हैं वो फिर क्या होंगे, इस इन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये होल्स चले जाएंगे इस वेल में। तो इस तरीके का एक क्वांटम वेल क्रिएट हो जाएगा चार्ज करिए इसका, ठीक है। अब ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये भी क्वांटम वेल से ही बने होते हैं, ठीक है। कैसे बने होते हैं? क्वांटम डॉट्स कैन अगेन बी फॉर्म्ड बाय फर्दर लिथोग्राफी एंड इचिंग। एग्जाम्पल, इफ अ क्वांटम वेल सैंपल इट इज टू लीव पिलर्स रादर देन वायर्स, देन द चार्ज कैरियर्स कैन बिकम कंफाइन इन ऑल थ्री डायरेक्शंस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनाया 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एक क्वांटम वेल बना दिया, इस तरीके का ट्रैप बना दिया जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन्स और वो होल्स कलेक्ट हो जाएं इस वेल में, ठीक है। अब इस वेल में अगर एक पिलर लगा देते हैं, ठीक है, और इस पिलर में ये पिलर क्या होगा, एक डायमेंशन ये बन गई, ठीक है, एक डायमेंशन ये बन गई और एक डायमेंशन ये बन गई, 3D बन गया। अब ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गई, तो इन तीन डायमेंशन हो गई और इसी के यहीं पे एक डॉट क्रिएट कर दिया, तो ये क्या बन गया, क्वांटम डॉट बन गया, जिसकी तीन डायमेंशन है, हाइट में भी क्वांटाइजेशन हो रहा है, लेंथ में भी हो रहा है और विड्थ में भी क्वांटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर किससे हम बना सकते हैं? क्वांटम वेल से बना सकते हैं, ठीक है। क्वांटम वेल में वेल के अंदर एक वायर लगाने की जगह एक पिलर लगा दें, ठीक है, उस पिलर की कुछ हाइट हो, तो ये क्वांटम डॉट की तरह बन जाएगा जिसमें क्वांटाइजेशन तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज 1D स्ट्रक्चर। अब 1D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, केवल एक ही डायमेंशन होगी, कोई एक डायमेंशन होगी, ठीक है, बाकी दो डायमेंशन नहीं होंगी उसकी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो होंगी। अगर पूरे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में बाकी की दोनों डायमेंशन ऑलमोस्ट जीरो होंगी, केवल एक ही डायमेंशन होगी इस स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब जब एक ही डायमेंशन होगी, मान लीजिए ये लेंथ में है तो इसकी डायमेंशन एक ही है, बाकी सब बहुत ही स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो है। अगर हम एक वायर की बात करें, वायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक दिस होता है, इसमें केवल एक लेंथ है, विड्थ नहीं है, इसकी हाइट नहीं है कुछ, ठीक है, केवल लेंथ है, एक ही डायमेंशन में है ये वायर। अब इसमें वायर के जो लेंथ है इसमें मूव कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाकी दो डायमेंशंस नहीं है इसलिए मूव नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दो डायमेंशंस में क्वांटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी चार्ज कैरियर्स का, और टू डायरेक्शंस में क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम वायर, हियर क्वांटाइजेशन अकर्स इन टू डायरेक्शंस एंड लीडिंग टू फ्री मूवमेंट अलॉन्ग ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। जो फ्री मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, उसकी डायमेंशन के अलॉन्ग, जो भी उसकी डायमेंशन लेंथ में है या विड्थ में है या हाइट में है उसके अलॉन्ग होगा, और बाकी जो रिमेनिंग डायमेंशन है उनमें क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा, ठीक है। अब ये क्वांटम वायर्स कैसे बनाते हैं, हम क्वांटम वायर कैसे बनाएंगे? जो क्वांटम वेल वाला स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर, अब एक छोटा सा होल लेने की जगह हम क्या करेंगे, पूरी एक लेंथ में इचिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से इचिंग कर देंगे पूरी लेंथ में, और इस लेंथ में एक स्ट्रक्चर को इंसर्ट कर देंगे। तो जो इंसर्ट हुआ है स्ट्रक्चर नीचे का वो किसमें है, उसकी केवल लेंथ है, ये जो सरफेस, दोनों सरफेस टच हो रहे हैं, ये सरफेस और ये जो इंसर्ट किया है, इसका सरफेस जहां टच हो रहा है वो जो एरिया होगा वो हमारा क्वांटम वायर होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से ऊपर क्वांटाइजेशन होगा
और जो इसकी विड्थ है, ठीक है, ये 3D है इस तरह, तो इसकी जो ये विड्थ है इसमें होगा, बाकी लेंथ में तो क्या होगा, मूवमेंट होगा चार्ज करिए इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटम वायर। अब आप देख रहे हो क्वांटम डॉट भी किससे बनाया हमने, क्वांटम वेल से। क्वांटम वायर्स भी कैसे बनाए, क्वांटम वेल से। तो क्वांटम वेल अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो जो बेसिक है इसका वो क्वांटम वेल है। नाउ अ स्टैंडर्ड क्वांटम वेल लेयर कैन बी पैटर्न विद फोटोलिथियोग्राफी और परहैप्स इलेक्ट्रॉन बीम लिथियोग्राफी एंड एच टू लीव अ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रिप ऑफ क्वांटम वेल मटेरियल। द लेटर में और मे नॉट बी फिल्ड इन विद द ओवरग्रोथ ऑफ बैरियर मटेरियल, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन बीम से क्या करते हैं, लिथियोग्राफी या इच्ड कर देते हैं उसको, मतलब एक स्पेस खाली कर देते हैं एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये स्पेस हमने इच कर दिया और इसमें फिर इंसर्ट कर देते हैं या फिर ओवरग्रोथ कर देते हैं क्रिस्टल की इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, एक वायर की तरह, क्वांटम वायर की तरह वर्क करने लगता है। नाउ एनी चेंज एनी एनी चार्ज कैरियर आर स्टिल कन्फाइंड अलोंग द हिस्टरोस्ट्रक्चर अक्रॉस जेड एक्सिस एज दे वर इन द क्वांटम वेल, बट इन एडिशन द स्ट्रिप इज नैरो इनफ, दे आर नॉट कन्फाइंड लॉन्ग एज एडिशनल डायरेक्शन इधर एक्स और वाई एक्स डिपेंडिंग ऑन द लिथियोग्राफी, ठीक है। तो अब जो वेल हमने बनाया था ये इच करके, इस वेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी में ही ट्रैप हो जाएंगे, अब ये इधर इधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इसी में ही ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाई और एक्सिस पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से केवल एक ही डायमेंशन में उनका मूवमेंट होगा, इसीलिए क्वांटम वायर को वन डायरेक्शन डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम वेल। हेयर क्वांटाइजेशन ऑफ द पार्टिकल मोशन अकर इन वन डायरेक्शन वाइल द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अदर टू डायरेक्शन, ठीक है। तो टू डायमेंशनल हमारा होता है क्वांटम वेल। क्वांटम वेल मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है, इसमें एक हमने लो एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया, ऐसे ही बैलेंस बैंड में एक हाई एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया, मतलब एक ट्रैप बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसमें होल्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटम वेल। ये है सिंगल क्वांटम वेल, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही ऐसा वेल बना हुआ है। अगर इसी लेयर पे हम कई सारे बना दें लाइक दिस, इस तरीके के बहुत सारे ट्रैप्स बना दें, तो ये बन जाएगा हमारा मल्टीपल क्वांटम वेल्स, ठीक है। अब क्योंकि ये टू डायमेंशंस है तो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो टू डायरेक्शंस में हो पाएगा, और जो क्वांटाइजेशन होगा वो जो रिमेनिंग वन डायमेंशन है उसी में क्वांटाइजेशन होगा, उसके अलावा जो दोनों डायमेंशंस होंगे, ठीक है, उसमें। अब इसको अगर हम फिजिकली, ये तो हमने एनर्जी लेवल पे समझा दिया, अगर हम फिजिकली इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इच कर देंगे होल बड़ा सा इस तरीके का, तो इसकी एक तो हाइट होगी और एक लेंथ होगी, तो दो डायमेंशंस हो गई, ठीक है, और बाकी की जो डायमेंशन होगी वाई वो जीरो होगी। तो मूवमेंट होगा ऐसे और ऐसे मूवमेंट होगा चार्ज का, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा, ठीक है। द टर्म वेल रिफर्स टू अ सेमी कंडक्टर रीजन दैट इज ग्रोन टू पॉजेस अ लोअर एनर्जी सो दैट इट एक्ट एज अ ट्रैप फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो एक वेल जो है वो क्या होगा, एक लोअर एनर्जी लेवल जो हम ग्रो करते हैं सेमी कंडक्टर में वो होता है जो एज अ ट्रैप काम करता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए, ठीक है। दे आर रिफर्ड एज क्वांटम वेल्स बिकॉज दीज सेमी कंडक्टर रीजन आर ओनली अ फ्यू एटॉमिक लेयर थिक, ठीक है। इनको क्वांटम वेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रीजन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, मतलब कुछ ही एटॉमिक लेयर थिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए क्वांटम बोला जाता है। क्वांटम लेवल क्या होता है, एटॉमिक लेवल, तो इसीलिए इनको एटॉमिक
वेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं. इन टर्न दिस मीन्स देयर प्रॉपर्टीज आर गवर्न बाय क्वांटम मैकेनिज्म अलाउइंग ओनली स्पेसिफिक एनर्जीज एंड बैंड गैप्स. ठीक है, इसी यही रीजन है जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्वांटम मैकेनिज्म पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, जो केवल कुछ स्पेसिफिक एनर्जी और बैंड गैप को ही अलाउ करता है. ठीक है, तो यही रीजन होता है जो क्वांटम लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके बल्क मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक एनर्जीज और बैंड गैप्स डिफरेंट होते हैं. बिकॉज क्वांटम वेल स्ट्रक्चर आर वेरी थिन, दे कैन बी मॉडिफाइड वेरी इजीली. अब क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा, कुछ एटॉमिक लेयर, एटम कितना छोटा होता है, उसमें से मान लीजिए अब 10 एटॉमिक लेयर है तो वो कितनी छोटी होंगी, उतनी ही इसकी गहराई होती है इस वेल की. ठीक है, तो इनको मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, आप कहीं पर भी इनको बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इनको मॉडिफाई करना. लास्ट वन इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. दीज स्ट्रक्चर्स इज ऑल्सो नोन एज बल्क स्ट्रक्चर. Here no quantization of the particle motion occurs, the particle is free. ठीक है, अब जो bulk structure होते हैं, पूरे के पूरे structure जो होते हैं वो होते हैं three dimension. ठीक है, क्योंकि इनकी तीनों जो dimensions होते हैं उसमें particle free होता है move करने के लिए, और इसमें किसी भी direction में quantization occur नहीं करता. ठीक है, तो ये हो गए हमारे low dimension structures. ठीक है, अब मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, इसके नोट्स जिसको भी डाउनलोड करने हैं आप वहां से कर सकते हैं. ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.